वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये।
वृंदाई तुलसीदेवी प्रियाई केशव सच कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवती नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम हरे गुरुपाद प्रथमा नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद प्रथमा नित्यलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग दो दिन पहले श्रवण कर रहे थे जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेना चाह रहे हैं उसी समय में श्रीमान मैया सची बड़ी दुखी हो गई। दुखी हो जाने पर महाप्रभु बोले माँ कोई दुखी मत हो क्योंकि तुम्हारी और मेरे बीच में जो संबंध है वो एक जन्म में नहीं जन्म जन्मांतर से। कितना जन्म से जन्म जन्म कब कब बताओ कौन बोलेगा किसको याद है महाप्रभु मैया को क्या समझाए कौन सा अवतार में क्या क्या संबंध था बोला एक बोला कब कौन सा जुग द्वापर युग में हर वाला सत्य युग में क्यों था संबंध और कृष्ण सत्वा हो गया द्वापर युग में सत्य युग में कौन सा संबंध था कामदेव और अदिति अदिति और अदिति और कश्यप ऋषि और क्या था बोलो बोलो और क्या बोलो और क्या क्या संबंध था हाँ तो हो गया कृष्ण से तपा हो गया ना हाँ ठीक है वसुदेव देव कौशल्या और दशरथ और क्या था बोलो जगन्नाथ शशि माचा अभी है ना इसलिए स्वर्ग में कहते में अदित्य रूप में भी स्वर्ग में उसी समय में तुम्हें वामन रूप में आया तुमने आदित्य रूप में इसलिए बोले मैया तुम्हारी और मेरे साथ में जो संबंध है वो एक जन्म से नहीं ये जन्म जन्मांतर से ही ये संबंध है इसलिए और मैं दो अवतारने वाला हूँ कौन सा अवतार है क्या क्या दो अवतार लेने वाले और एक विग्रह अवतार नाम अवतार और मैं विग्रह अर्चा अवतार ये दो रूप में और मैं दो अवतार लूंगा जब मैं नाम रूप में आऊंगा उस समय तुम किस रूप में आओगे युहा रूप में आओगे हैं इसलिए है मैया तुम कोई चिंता मत करो और जब मैं मूर्ति रूप में आऊंगा उस समय तुम ये पृथ्वी धारणी रूप में तुम धारण रूप में आओगे इसलिए एक जन्म का नहीं जन्म जन्मांतर का तुम्हारे साथ में मेरे संबंध जो महाप्रभु ने इस बात को समझा है तो सच्ची मैया दिल में थोड़ी सी तसल्ली थोड़ी सी सांत्वना मिली है हैं? इसलिए भगवान ने कहा देख मैया मैंने निष्कपट से इस बात तुमको बोला है हैं? इसलिए तुम अस्थिर मत हो स्थिर हो करके रहा करो। कहते प्रभु अभी प्रभु ने किया जब महाप्रभु बल में संन्यास बन करके जाऊंगा मुकुंद ने कहा प्रभु जब आप संन्यास बंद करके जाओगे ये स्थिर कर लिया अभी कुछ दिन जितना दिन रहोगे थोड़ी सी ज्यादा करके जितना कीर्तन करते थे
अभी हम और थोड़ा ज्यादा करके कीर्तन करेंगे। तो महाप्रभु ने भक्तों को लेकर के दिन रात नृत्य कीर्तन में डूब गए। जब नृत्य कीर्तन में डूब गए, महाप्रभु जो सन्यास लेकर के जाने बोल रहे थे, भक्तों का जो दुख था ना वो दुख दूर हो गया। वो भूल गए महाप्रभु सन्यास लेकर जाने वाले हैं, कहते भूल गए। बोले कारण है, कहते हैं जो भगवान का कीर्तन और जो भगवान एक ही चीज है, भगवान का कीर्तन और भगवान एक ही चीज है, दो चीज नहीं है। इसलिए भगवान खुद कहते हैं मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पर मेरे भक्त जन मेरे कीर्तन करते हैं मैं वहीं पर रहता हूँ। इसलिए अब थोड़ी समय अगर हम लोग कीर्तन कर लेना, नाच कूद करके खूब कीर्तन कर ले, देखना मन का जितने दुख मन का जो क्लेश है, शरीर का जो क्लेश सब दूर हो जाता है उस समय की। अब कभी कभी जैसे जगन्नाथ जी यहाँ पर जब हम यहाँ नृत्य कीर्तन करते, भक्त लोग कभी ठाकुर को पीछे कर दिया याद नहीं रहता है। वो जिधर कीर्तन होता है ना, जिस तरफ में कीर्तन होता है उस तरफ देखकर कीर्तन करते रहते, ठाकुर को पीछे कर दिया, ठाकुर की याद नहीं। सख्या ठाकुर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा राधा कृष्ण महाप्रभु सब यहीं पर है, लेकिन उस समय ठाकुर पीछे हो जाते हैं और कीर्तन आगे हो जाता है। कारण है जो कीर्तन है, ये कहते जो कीर्तन है ये स्वयं भगवान है, है भगवान और भगवान का नाम में कोई फर्क नहीं। इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के सामने महाप्रभु दोनों भुजा उठा करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जब कीर्तन करते थे उस समय भक्त लोग जगन्नाथ जी को नहीं देखते थे, जगन्नाथ जी को ही नहीं देखते थे, किसको देखते थे, श्री महाप्रभु का सबके सब श्री महाप्रभु देखते थे। बोले वो अचल जगन्नाथ और ये सचल जगन्नाथ है, ये अचल और ये सचल जगन्नाथ सबके सब भूल जाते हैं, हैं सबके सब भूल गए महाप्रभु सन्यास लेकर के जाएंगे सब भूल गए। तो यहाँ पर कह रहे हैं आज भगवान भक्तों के साथ में नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। कहते चैतन्य महाप्रभु कौन है, कहते वेद भी जिनको ढूंढता है भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है वेद भी नेति 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 ना इति ये नहीं नहीं करते करते जो वेद भी आज जिनको ढूंढते हैं आज स्वयं सचिनंदन गौर हरि भक्तों के बीच में यहाँ कीर्तन कर रहे हैं। जय दिन चले वे प्रभु सन्यास करिते नित्यानंद स्थान तहा कहिल निवृते। जिस दिन महाप्रभु सन्यास लेने वाले उन्होंने एकांत स्थान में जाकर के श्री नित्यानंद प्रभु को केवल उन्होंने बोले, किसको बोले, श्री नित्यानंद प्रभु को बोले। कि नित्यानंद प्रभु को क्यों बोले, कारण है श्री बलदेव प्रभु उनको पंच रसों और दस शरीर से यही सेवा करने वाले और इनके अभिन्न विग्रह श्री बलदेव प्रभु ये संदिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता है। इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु के बगैर बलदेव प्रभु के बगैर कृष्ण की कुछ भी ये नहीं है। इसलिए जगन्नाथ कृष्ण आने से पहले बलदेव प्रभु आते हैं। क्यों, कहते उनको जो प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं, इसलिए उनको प्लेटफॉर्म बनाने वाले कौन है, श्री बलदेव प्रभु हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले श्री नित्यानंद प्रभु को बोले एकांत में जाकर के, और नित्यानंद प्रभु को बोल करके उसको बाद में क्या बोले, बोले देखो देखो निताई मैं सन्यास ग्रहण करने वाला हूँ, तुम ये जो बात है ना पांच भक्तों को ये बात तुमने बोल देना। कितने भक्तों को, केवल पांच भक्तों की बात बोलना, सबको नहीं बोलना। और मैं कब सन्यास लूंगा, बोले मकर संक्रांति का दिन मैं उत्तरायण में सूर्य क्या बताए उत्तर तरफ में धरा उसी दिन से थोड़ा दिन थोड़ा बड़ा हो जाता है और थ्री रात जो थोड़ा कम हो जाता है, दिन उसी दिन से थोड़ा बड़ी हो जाती है। इसलिए उत्तरायण का दिन और मैं कहाँ पर सन्यास लूंगा, बोले कठुआ में जाकर के सन्यास लूंगा और मेरे जो गुरुदेव बनेंगे ना श्री केशव भारती के पास में सन्यास ग्रहण करूंगा। कुल पांच व्यक्ति को ये बात तुमने बताना। कहते भैया वो पांच व्यक्ति कौन है, कहते मेरी जो भैया है, दूसरे व्यक्ति श्री गदाधर है, गदाधर कौन है, कहते ये श्री राधा रानी, कहते ये ब्रह्मा, तीसरा नंबर श्री ब्रह्मानंद भारती, चौथा नंबर श्री चंद्रशेखर आचार्य
और जो पंचवा जो व्यक्ति कहती है श्री मुकुंद, कहते कुल ये पांच व्यक्ति को पास में ही मेरा संन्यास का बात बोलना, इसलिए अभी श्री श्री चैतन्य महाप्रभु चले जाएंगे, इसलिए भक्तों को साथ में महाप्रभु सारा दिन कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि भक्त लोगों का जीवन भगवान है, भगवान चले जाएंगे तो भक्त दुखी होंगे, इसलिए उनको कीर्तन करा के उनको मन को पूरा प्रफुल्ल पूरा आनंद दे रहे महाप्रभु। और संध्या होते ही महाप्रभु ने कहां पर गए, उन्होंने गंगा देवी को उन्होंने दर्शन करने के लिए कहा, किस समय गए, कहते संध्या समय में गंगा जी को उन्होंने दर्शन किया, दर्शन करके घर में आकर के बैठे। इसलिए अभी महाप्रभु आज रात को संन्यास ग्रहण करेंगे, इसलिए उन्होंने भक्तों को जितने भक्त थे सबको महाप्रभु ने आकर्षण किया, सबका आकर्षण किया, आकर्षण किया तो भक्तों लोगों ने कुछ ना कुछ उपहार लेकर के महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आएंगे, कोई चंदन लाए, कोई माला लाए, और उन्होंने महाप्रभु का चंदन देकर के महाप्रभु को माला पहनाया। जब माला पहनाया भक्त लोग तो माला पहनाया, फिर महाप्रभु ने क्या किया, अपना गलार माला सभा कर दिया, आज्ञा करे प्रभु सभी कृष्ण गाओ गया, महाप्रभु को पहनाया एक बार, लेकिन महाप्रभु ने क्या किया, अपना गला की माला सब भक्तों को प्रसाद रूप में सब भक्तों को उन्होंने माला पहनाया। माला पहना करके उन्होंने क्या किया, सब गला में बोले आज्ञा करे प्रभु सभी कृष्ण गाओ गया, बोले देखो भक्तो तुम लोग घर में जाओ, जा करके सबके सब कृष्ण नाम सबके सब कृष्ण भजन करना, सबको उन्होंने उपदेश दिया है। इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद कहते हैं महाप्रभु ने जो सबकी गला में माला दिया, ये क्या माला है, ये किस चीज की माला श्री महाप्रभु भक्त लोगों को दिया है। और महाप्रभु ने क्या किया, बोले माला सभा कार्य दिया, उन्होंने एक व्यक्ति को नहीं दिया माला, सबको दिया ये माला, उन्होंने सबको दिया। यहाँ दो बात बताई, कल मैं पूछूंगा क्या मैंने बताया था, मेरे को बोलना ठीक है, सारे बात मेरे को बोलना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या माला दिया, उन्होंने दो माला दिया, एक तो प्रसादी माला सबको दिया है, अपना प्रसादी माला सबको दिया, और दूसरे रूप में ये जो माला है ये प्रेम की माला, भक्ति की माला, कृष्ण नाम रूपी माला उन्होंने सबको गला में उन्होंने दिया। देख करके उन्होंने क्या बताया, क्या बोले देखो ये माला सभा कर दिया, सबको उन्होंने माला दिया, आज्ञा करे प्रभु कृष्ण भजन गाओ गया, क्या आज्ञा दिया, तुम लोग सबके सब जाकर कृष्ण गाओ कृष्ण भजन करो। इसलिए जो सभा करे यहाँ प्रभु का तो कहते हैं, इसका मतलब है उन्होंने स्त्री केवल पुरुष लोग नहीं, इसलिए केवल उन्होंने कृष्ण केवल पुरुष लोगों को नहीं दिया, वहां पर जो थे उस उनको ही केवल नहीं दिया है, उनने किसको माला दिया है, किसको आदेश दिया, माला मतलब यहाँ आदेश है, तुम लोग सबके सब घर में जाओ, सबके सब कृष्ण भजन करो। अभी कृष्ण भजन में किसका अधिकार है, हैं? इसलिए गीता में बताया स्त्री अपि स्त्री अपि जानती पराम गति, क्या श्लोक है, स्त्री वैश्य तथा शूद्र ते अपि जानती पराम गति। यहाँ पर कहते हैं चे अपि शिव पाप जो नहीं है, कहती ये पाप जो नहीं, किसको, स्त्रियों को पाप जो नहीं बताया, वैश्यों को, स्त्री वैश्य तथा शूद्र इनको पाप जो नहीं बताया, लेकिन स्ते अभी जानती पराम गति, अगर वे लोग भी कृष्ण भजन करते हैं उनको भी परागति की प्राप्ति होता है, है? पराश्रेष्ठ गति प्राप्त करते हैं। इसलिए कृष्ण भजन ऐसे नहीं केवल जो ब्राह्मण कुण कुल में और वैश्य क्षत्रिय कुल में जन्म हुए केवल वही भजन करेंगे और कोई भजन नहीं करेंगे कर सकते, ऐसी बात नहीं। इसलिए सभा कर महाप्रभु सबको आदेश दिया है, सबका आदेश दिया है, क्या दिया, बोले स्त्रियों को भी पुरुषों को भी, वर्णाश्रमी है, वर्ण और आश्रम, कितना वर्ण है, क्या क्या है, आश्रम क्या क्या, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी, इसलिए चार ही वर्ण और चार आश्रम। यह कहते वर्ण और आश्रम किसी में और निर्विशेष है, इसलिए कहते चार ही वर्ण से जो बाहर व्यक्ति है जो अंतर जाति है उनको भी दिया है,
और धर्म अधर्म निर्विशेष हैं सबको महाप्रभु ने आदेश दिया। क्या आदेश दिया? तुम लोग घर में जाकर कृष्ण गाओ, कृष्ण भजन करो। अगर जो महाप्रभु का आदेश पालन करते हैं, हैं जो महाप्रभु का जो आदेश पालन करते हैं, कहते उनको ही महाप्रभु ने कृष्ण गाने का अधिकार दिया। और जो व्यक्ति कहते विशेष कर किसको दिया, यहाँ पर कह रहे हैं जो प्रभुपाद ने जो चैतन्य मठ स्थापन किया, कहते श्री नवद्वीप मायापुर में चैतन्य मठ स्थापन किया, चैतन्य मठ में जितने ब्रह्मचारी जितने सन्यासी, यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, कहते हैं महाप्रभु विशेष करके उनकी गला में माला पहनाया है, उनको गले में माला है, हाँ? वही लोग ही अभी कृष्ण गान, मतलब कृष्ण स्वयं भी कृष्ण भजन करते हैं और दूसरों को भी कृष्ण भजन की शिक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण गाएगा, जो प्रत्येक कृष्ण गाएगा, कहते वही व्यक्ति महाप्रभु का आदेश को पालन किया, महाप्रभु जो गले में माला पहनाया किसको गले में, जो महाप्रभु का आदेश को पालन करेगा। इसलिए भजन करते हुए जो व्यक्ति कृष्ण कथा को जगत में प्रचार कर रहे हैं, असल रूप में वही लोग ही महाप्रभु का माला को धारण कर रहे हैं और धारण किया है। इसलिए कृष्ण भजन में सबका अधिकार, सभी कृष्ण को भक्ति कर सकते हैं, हैं? अभी यहाँ पर कह रहे हैं उन्होंने क्या बोले, बोलो कृष्ण भज कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण बिनु कहो किछु ना भावी व्यवहार। उनका आदेश है बोलना तो कृष्ण बोलो, भजन करना तो कृष्ण भजो, गाओ तो कृष्ण गाओ, नाम करना तो कृष्ण का नाम ही करो। इसको छोड़ करके किसी चीज को सोचना नहीं और कोई चीज को बोलना नहीं। इसलिए पहला शब्द है कृष्ण बोलो, बोलना तो किस क्या बोलो, कृष्ण बोलो। तो कृष्ण क्यों बोले, तो प्रभुपाद कहते हैं हैं अगर हम कृष्ण नहीं बोले कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जिवाना चुप पे कभी नहीं बैठता, जिवा में सब चीज में हड्डी है, लेकिन ये जिवा में देखना हड्डी नहीं, सब हड्डी है, अंगुल में हड्डी सीधा हो जाएगा, हाथ में हड्डी सीधा हो जाएगा, हैं कमर में हड्डी बैठे हैं, पैर में हड्डी चलते हैं, लेकिन एक चीज में हड्डी नहीं, किसमें जिवा में हड्डी नहीं, इसलिए चुप नहीं बैठता, कुछ ना कुछ बोलेगा, स्वभाव इसका स्वभाव कुछ ना कुछ बोलो। इसलिए यहाँ प्रभुपाद बोलते हैं क्यों महाप्रभु बोले कृष्ण बोलो, अगर तुम कृष्ण नहीं बोलोगे तो और तो कुछ बोलोगे ना, और सब इतर बात बोलोगे, कृष्ण के बगैर और जो कुछ हम बात बोलेंगे सब बंधन का कारण, सबके सब दुख का कारण है, और सुख का कारण क्या है, जब कृष्ण बोलोगे। इसलिए कृष्ण बोलोगे तो अपना कल्याण है ही है, दूसरा का भी कल्याण। अगर आपस आपस में कृष्ण चर्चा करेंगे, कृष्ण कीर्तन करेंगे, कृष्ण बोलेंगे, पहला कल्याण तो अपना को हुआ और सुनने वाले का भी कल्याण हुआ। अगर हमने कृष्ण नहीं बोला तो कृष्ण बोल करके और कोई बात बोला, अपना भी हानि और दूसरा का भी हानि। इसलिए मत कथा मत कथा चिंता बोधयते परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम पुसन्ति च। इसलिए कृष्ण अपना भक्तों का लक्षण कहते हैं, देखो मेरे जो भक्त है ना, चिंता तो केवल मेरी करेगी, बात करेगी तो मेरी बात करेगी, हैं? इसलिए आपस आपस में चर्चा मेरी करेगी, मेरी कथा कीर्तन छोड़कर और कुछ मेरे भक्त करते नहीं। इसमें सबका कल्याण है, अपना कल्याण दूसरों का भी कल्याण है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कृष्ण बोलो, हैं? दोनों का ही कल्याण। और कृष्ण बोलो मतलब होता है कृष्ण नाम अगर कहेंगे, भगवान का नाम क्या है, बोले हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि। अगर कृष्ण बोलेंगे तो कृष्ण नाम क्या है, हरि से भी बढ़ करके और भगवान से भी बढ़ करके हरि का नाम है। इसलिए और भगवान का जो नाम कैसे है, कहते भगवान का नाम नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, कृष्ण नाम रसी है, कृष्ण नाम रसी कृष्ण नाम है। और कृष्ण नाम क्या है, बोले अभिन्नत्वात् नाम नामिने, भगवान और नाम में कोई फर्क नहीं। इसलिए महाप्रभु क्या बोले, बोलो कृष्ण, फिर क्या बोले कृष्ण गाओ, कहते गाना क्या बोलना भी कृष्ण बोलना, अगर अगर गाए ना, गाए तो क्या गाए, कृष्ण का ही नाम को गान करो। कारण क्या है,
मतलब कारण है भगवान से बढ़ करके दुनिया में और कोई है ही नहीं। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। इसलिए कृष्ण गाओ, कृष्ण से बड़े जगत में और कोई नहीं। मत्त पर धर्म किंचित अस्ति धनंजय अर्जुन, मेरे को छोड़ करके जगत में और कोई पर तत्व नहीं, मैं ही जगत का सर्वश्रेष्ठ पर तत्व मैं हूँ। इसलिए क्या करो, कृष्ण गाओ, हैं कृष्ण गाओ, और किसी चीज को नहीं गानी चाहिए। नित्य सत्य व पूर्ण नित्यमय, हाँ इसलिए आनंद स्वरूप है। इसलिए कहते जदि आमा प्रति स्नेह थाके सब आकारे तबे कृष्ण व्यतिरेके नागा ही बिहार। देखो यहाँ पर महाप्रभु एक अच्छी बात कहते हैं। क्या बात कहते हैं, क्या बात कह रहे, कह रहे हैं जदि आमा प्रति स्नेह थाके सब आकारे, अनेक हो ना अनेक ऐसे में करता है अनेक सब करे कथा पर अर्थ पर करे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं यदि आमा प्रति स्नेह थाके सवा करे, अगर मेरी प्रति तुम लोगों का स्नेह है, अगर मेरे को तुम लोग प्रेम करते हो, हैं क्या प्रेम, तो क्या करो, तभी कृष्ण व्यतिरेक ना गाए हुआ है, कृष्ण को छोड़ करके और कोई चीज को बोलने नहीं चाहिए, नहीं गानी चाहिए। इसका मतलब है अगर हर समय हम भगवान का नाम ले, कृष्ण कीर्तन नाम करे ना, कौन प्रसन्न होते, चैतन्य महाप्रभु श्री महाप्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। अगर हर समय कृष्ण कीर्तन गान में अगर हम डूबे रहेंगे तो कब कब गानी चाहिए, बोले की शयने की भोजने की वा जागरणी अहरणि सचित्त कृष्णा पुलहवतनि। ये महाप्रभु का आदेश है, क्या सोते समय, क्या भोजन करते समय, क्या जागते समय, हर समय कृष्ण को चिंता करो और कृष्ण का नाम बदन में लो। तो यहाँ पर कहते हैं लकी सहने, ठीक है जगते उठते सोते खाते समय कृष्ण नाम ले सकते, तो सोते समय कैसे लोगे, सोते समय तो अर्धमृत्यु, सोते समय अर्धमृत्यु, इसलिए हम सोकर क्या उठकर सबसे पहले क्या करते हैं, स्नान करते हैं, क्योंकि उस समय अर्धमृत्यु अवस्था हम प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं सोते समय हम फिर कैसे भगवान का नाम लेंगे। कहते हैं अब देखना कोई चीज में अगर हमारी आवेशता हो जाए ना, कोई चीज में तुम्हारी आवेशता हो जाए, इतने आवेश हो जाए, देखना सोते समय वही स्वप्न आता है। इसलिए हमारे गोस्वामी लोग क्या करते थे, सारा दिन भजन करते थे, लेकिन कभी कभी एक आध घड़ी अगर कभी सो जाते है ना, बोले स्वप्न राधा गोविंद थे, वो सोते समय भी जो दिन में जो चिंतन करते थे वही चीज को देखते थे। अगर दिन भर उल्टा पुलटा अगर हम सोचेंगे ये करेंगे, फिर सोते समय वही उल्टा पुलटा चीज दिखेगा। अगर दिन भर अगर कृष्ण गाएंगे, कृष्ण चिंतन, कृष्ण नाम लेंगे, देखना सोते समय में भी हमारी वही चीज याद आएगी, हाँ वही चीज ही याद आएगी। इसलिए कहते हैं महापुरुष सबको पर मैं कृपा दृष्टि किया है जैसे सब सब हरिध्वनि। इसलिए इसलिए महाप्रभु आज रात को संन्यास लेंगे। इसलिए भगवान की इच्छा से कितने लोग आ रहे हैं महाप्रभु को दर्शन करने के लिए, और कितने लोग जा रहे हैं, हैं प्रसाद पा रहे हैं। सबके सब श्री सचिनंदन गौर हरि की, श्री मन चैतन्य महाप्रभु की, सबके सब जय जयकार करते हुए जा रहे हैं। बोले एक लाव हाथ करी सुकृति श्रीधर है ना, ये समय से हाई लग महाप्रभु संन्यास लेंगे ना। और महाप्रभु क्या करते थे, रोज रोज श्रीधर के पास में जाते थे, बड़ा गरीबी है, बहुत गरीबी था इसलिए, लेकिन महाप्रभु जोर जबरदस्ती उसको पास में जाते थे और उससे कलह करके लड़ाई करके महाप्रभु उससे ग्रहण करते थे। बोले देखो बढ़िया चीज लूंगा, घटिया चीज नहीं लूंगा, लेकिन आधा पैसा दूंगा, ज्यादा पैसा नहीं आधा पैसा दूंगा। कहते थे भैया और भी तो बहुत लोग है ना, उसको पास में जाओ ना, रोज क्यों मेरे पास में लड़ाई करते। बोले किसको पास में, तेरे पास में आओ, है इसलिए भक्तर द्रव्य प्रभु गाड़ी गाड़ी खाए, अभक्तर द्रव्य प्रभु उलट ना चाहे, बोले तेरे पास में आऊंगा। श्रीधर सोचता इस तरह लड़कर के जितने काम हट्टे कट्टे 24 साल के होकर, हाँ इतना लंबे चौड़े भैया हम तो दीन ही नहीं रखते, इससे तो हम लड़ ही नहीं सकते हैं। बोले ठीक है भैया कोई बात नहीं, ठीक लोग झगड़ा मत किया करो, ले जाओ बढ़िया से बढ़िया। देखो कितना भाग्यवान है,
जब इनको पता चला यही कौन है जो गंगा, जिस गंगा की आधा पैसा से मैं गंगा पूजा करता था, गंगा जिनकी क्या है, गंगा जिनकी चरणा पड़त है। जब ये बात उन्हें पता चला, महाप्रभु श्रीधर को घर में गए, नृत्य कीर्तन किया, उनको जो लोटे था जो लोहे की जिसमें छिद्र युक्त, महाप्रभु सुने, उन्होंने महाप्रभु ने पानी ग्रहण किया है, पानी पिए महाप्रभु। इसलिए जब देखा ये श्रीधर, इसलिए श्रीधर अंतिम समय में सारा जीवन उनसे लड़ाई करते करते महाप्रभु का आए, महाप्रभु की इच्छा है, इसलिए अंतिम समय में बड़े सुंदर लाभ लाए है। लाभ ले तो फिर किसी भक्त ने दूध लाए, एक बंगाल में एक है दूध की लग लगी, एक होता है जो खीर बनाते हैं और एक लाव बना करके उसमें दूध देते हैं, लाव बनना उसमें दूध डाल देते हैं, डाल करके एक सब्जी होता है, हैं? इसलिए कोई दूध लेकर के आए, फिर भैया ने दूध लाव को रंधन किया और महाप्रभु ने सबको, उन्होंने सब भक्तों को उन्हें विदाई दिया। महाप्रभु ने विदाई दे करके महाप्रभु ने शयन किया, शयन करके उन्होंने जोग निद्रा को प्रति उन्होंने दृष्टिपात किया है। जब दृष्टिपात किया, कहते हैं दूसरे जगह पर, दूसरे ग्रंथ में लिखा है, हमारे गुरु जी सुनाया करते थे, कहते क्या सुनाते थे, जब से श्री चैतन्य महाप्रभु गया से वापस आए, तब से उनका जो पत्नी विष्णु प्रिया थी, तब से विष्णु प्रिया से और बात नहीं करते हैं, विष्णु प्रिया से तब से कोई बात नहीं करते, और दिन रात कृष्ण बोल करके रोते हैं, गिड़गिड़ाते, दिन रात दुखी होते थे, दिन रात दुखी होते थे। अभी महाप्रभु जिस दिन सन्यास ग्रहण करेंगे, महाप्रभु हैं कहते जो विष्णु प्रिया थी, महाप्रभु जब शयन करते थे, विष्णु प्रिया को नींद नहीं आती थी, क्योंकि दिन रात कृष्ण प्रेम में, जैसे श्रीमती राधा रानी हाँ कृष्ण बोल करके पछाड़ खाती थी, जैसे कृष्ण प्रेम में उन्मादिनी बनती थी, दिन रात महाप्रभु, दिन रात कृष्ण प्रेम में उन्माद ग्रस्त है महाप्रभु। अभी जिस दिन महाप्रभु सन्यास ग्रहण करेंगे, उसी दिन विष्णु प्रिया सवेरे जब गंगा स्नान करने जाती थी, जब गंगा स्नान करने के लिए निकली, हर घर में पहले चौपड़ होता था, चौपड़ समझते हो क्या है, दहली, एंडुरी, एंडुरी बांधा, और उड़िया में बांधते थे, द्वार बंधा, इसलिए पहले हर घर में द्वार बंधा होता था। इसलिए जब विष्णु प्रिया निकली, निकलते ही उनकी पैर में चोट लग गई, चोट लग गई तो उससे खून निकली है, उसमें खून निकली, ये इस अपशगुण है। अगर सवेरे जो चीज हो ना, अगर सवेरे उठ करके जो चीज हो, देखना दिन भर वही चीज चलेगी। अगर सवेरे उठ करके अगर हमने गुरु वैष्णव को प्रणाम किया है और भगवान का नाम लिया, भजन किया, देखना दिन भर अच्छा बीतेगा। अगर सवेरे उठ करके पड़ जाए तो खाया में, इसलिए कहते हैं अगर सवेरे उठ करके गड़बड़ी हो ना, देखना दिन भर गड़बड़ी होगा। इसलिए सवेरे में, इसलिए मंगला आरती में सवेरे आनी चाहिए। अगर सवेरे अगर मंगला आरती करते अंदर में अगर सो गई तो एक बार लक्ष्मी छड़ा हो जाएगा, उसको पास में लक्ष्मी नहीं आएगी। और शंकर जी की जो दूत है, जो भूत पिशाच सब जाकर उसको सर पर बैठ जाएंगे, तो उसको बुद्धि विकृत हो जाएगा, इसलिए पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, कोई चीज याद करने में मन नहीं लगेगा। इसलिए जो आरती में नहीं आएंगे ना, देखना उसको पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, कोई चीज याद करने में मन नहीं लगा, भजन में भी याद नहीं लगे, उसको भजन भी अच्छी नहीं लगेगी। कारण क्या है, सवेरे वो सोया और शंकर जी अपना दूतों को साथ में घूमते रहते हैं और उसको सर पर बैठ जाते हैं, सर पर बैठ जाते, बैठ जाने पर उसका दिन भर बुद्धि विकृत रहता है। इसलिए नियम क्या है, मंगल आरती में उठ करके तिलक करके स्नान करके हरिनाम करनी चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति भजन करेंगे, जो भूत पिशाच उनके पास में नहीं जाएंगे, और जो हरिनाम नहीं करेंगे उस समय सोते रहेंगे, फिर क्या होगा, शंकर जी का जितने चार भूत पिशाच सब दिमाग में बैठ जाएंगे, फिर पढ़ने इच्छा नहीं करेगा, श्लोक याद करने के लिए इच्छा नहीं करेगा, पढ़े किसी चीज में मन नहीं लगेगा उसको, है पूछो तो हाँ। इसलिए जल्दी सोकर भी जल्दी उठनी चाहिए, दिन भर भी सोतेंगे और फिर मंगला आरती भी सोते रहेंगे, ये सही चीज नहीं है। इसलिए कहते यहाँ पर कहते विष्णु प्रिया जब घर से निकली,
और निकलते ही उनका प्यार जो एरुंडी एरुंडी हमारे उड़ीसा को एरुंडी कहते हैं, इसलिए निकलते ही जो दहली थी ना उसमें प्यार लग गई तो वचट खा गई, झट उनका प्यार में खून आ गई। विष्णु प्रिया बोली आज सवेरे सवेरे ये अनहोनी क्यों हो गया है, ये अनहोनी क्यों हो गया है। फिर जब गई गंगा में स्नान की, जब स्नान की कहते निया स्त्री लोग स्नान को जिस समय शादी हो जाती है और नाक में बेसर पहनती है, जो बेसर है सदवा का ये लक्षण है, नाक में बेसर पहनती है। लेकिन वो जब गंगा में स्नान करने के लिए गई ना बेसर गई खो गई, मतलब है वो इस सब अपशगुण है, वो बड़ी दुखी हो गई, बहुत कोशिश की ढूंढने के लिए लेकिन वो मिले ही नहीं। वो बड़ी दुखी होकर गई और बड़ी दुखी होकर के वापस आई और आकर के अपना मैया सची मैया से बोली, बोली मैया आज मैं ये अनहोनी सारे क्यों देख रही हूँ, सबरे प्यार वचट खा करके मैं गिर पड़ी, खून निकल गया और मैंने स्नान करने के लिए गया तो मेरी शादी का समय जो सुहाग का जो नाक फूल है वो कहीं गिर पड़ा, कहीं ढूंढते ढूंढते मिला नहीं, और मेरी जो है डहाण आँख है ना डहाण भुजा डहाण शरीर ये कंपन हो रहा है कि ये क्यों ये सब सब थत्थर कंपन हो रहा है। कहते पुरुष लोगों का अगर सीधा आग सीधा बाहु सीधा प्यार अगर है फड़कता है समझनी चाहिए कुछ मंगल में हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाली, अगर स्त्रियों का अगर बाम आंख बाम भुजा ये फड़कती है समझनी चाहिए उनका भी जीवन में अच्छा होने वाला, अगर पुरुषों का अगर बाम आंख हाथ फड़के समझनी चाहिए कुछ अपशगुण है, स्त्रियों का अगर सीधा आंख सीधा बाहु फड़के उनके लिए भी अमंगल। बोले पता नहीं आज ये बाम आंख क्यों फड़क रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रही है भैया, लेकिन भैया की सारी बात बता क्योंकि उन्होंने केवल पांच व्यक्तियों को बोले महाप्रभु सन्यासी ग्रहण करने वाले, माँ को सब पता है। इसलिए जब सची जिस समय विष्णु प्रिया जिस समय महाप्रभु शयन करते थे विष्णु प्रिया को नींद नहीं आती थी, रात भर महाप्रभु के पास में जगी रहते थे, क्यों महाप्रभु दिन रात कृष्ण विरह में व्याकुल होते थे, तड़फड़ाया करते थे, हा कृष्ण बोल कर रोते थे, विष्णु प्रिया बैठी रहती थी। लेकिन आज का दिन महाप्रभु ने क्या किया, बड़े सुंदर फूलों से माला बनाया और उन्होंने विष्णु प्रिया की जो बेड़ी थी ना उसको सजाई और बड़ी सुंदर फूलों से उन्होंने श्रृंगार किया, किसको विष्णु प्रिया को श्रृंगार की, सुंदर पान की बुढ़िया बना करके विष्णु प्रिया को। विष्णु प्रिया बोली ये जब से गया से आए हैं तब से तो इतने मीठी बोली कभी बोली नहीं, आज महाप्रभु बड़ी प्यारी बड़ी मीठी मीठी बोली बोल रहे हैं विष्णु प्रिया को, यही आज क्या हो रहा है, ये जब से गया से आए तब से मुझसे बात नहीं करते, दिन रात हा कृष्ण बोले तो रोते थे, आज हम इतने प्यार क्यों कर रहे हैं, अपना हाथों से क्यों श्रृंगार कर रहे हैं। एक उदाहरण दिया लंठन जानते हो हर की लंठन है हर की, तुम देखना जब वो बुझने का समय होता ना थप 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 होकर बुझ जाता है हर की, नहीं जब बुझने का समय होता ना वो थप थप करते करते जस कदम बंद हो जाते, इसलिए कहते क्या मेरे जीवन में क्या ऐसे होने वाली है, हैं आज क्यों मेरे को इतना प्यार प्रेम क्यों दे रहे हैं, कहते ना अति भक्ति चोर लख्या, इसलिए क्या हो रहा है। अभी इतने में महाप्रभु बड़े उनको प्यार दिया कि महाप्रभु आज रात सन्यासी लेकर के जाने वाले, दूसरे रात में तो विष्णु प्रिया को नींद नहीं आती थी लेकिन आज का जो रात है विष्णु प्रिया सोच रही है कुछ अनहोनी होने वाली है आज में सोएंगी नहीं, लेकिन महाप्रभु जोग माया को आदेश दिया, जोग माया को आदेश दिया तो क्या हुआ, जैसे माना आंखों को पल्लव के ऊपर में सामान की कोई पत्थर लग गया, कभी ऐसे नींद आती है ना कोशिश करते जगने के लिए लेकिन किसी तरह से आंख खुलता नहीं है खुलता नहीं, इसलिए लग रहा है जैसे आंख को पल्लव के ऊपर में कोई सामान की पत्थर कोई लग दिया, कोशिश कर रहे हैं विष्णु प्रिय आंख खोलने के लिए लेकिन आंख खुल नहीं रहा है, वो कोशिश कर रहे आज मैं सोएंगी नहीं, लेकिन पता नहीं विष्णु प्रिया कब सो गई उनको पता ही नहीं पड़ा है पता ही नहीं पड़ा। इतने में श्री चैतन्य महाप्रभु ने हैं महाप्रभु ने क्या किया और गदाधर और श्री मैया थी वहां पर सची मैया थी, इसलिए आज गदाधर सची मैया सोई नहीं क्योंकि उनको पता है महाप्रभु संन्यास लेने वाले, अब उनको सोए नहीं,
बोले दंड चारी रात्रि आछे ठाकुर जनिया उठी लेन चली वारे नासा ग्राण लिया। पहले तो घड़ी नहीं होती थी, पहले लोगों को पता कैसे चलता था, तारा को देख करके है उनको पता चल जाता ये तारा है, अभी 2 बजा ये 3 बजा ये 4 बजा ये ताराओं से पता चल जाता था। और जो श्वास होता है ये श्वास में पता चलता था, नियम है इतने रात होने पर ये नासिका का श्वास बहेगा, इतने रात होने पर ये नासिका श्वास थोड़ी कम हो जाएगा। लोग इसी से ही घड़ी का पता लगा देते थे, पहले अपने आप उनको पता चल जाती थी। हमारे मंदिर में एक बूढ़े बाबा थे कैलाश है, हमारे मंदिर में पता नहीं वो गाँव के बूढ़े वैसे में आए, दिन रात सेवा करते थे, जैसे हमारे करुणा प्रभु दिन रात खेती में काम करते है ना, वही दिन रात मंदिर में सेवा करते, दिन रात सेवा करते थे। इसलिए जैसे 4 बजे कीर्तन होगा, 5 बजे कथा होगी, 4 बजे बजेगा ना, अरे मेरे को ओ पुरी प्रभु समय हो गया, आज कीर्तन होगा नहीं, कीर्तन का समय। मैंने देखा भैया इनको कैसे, अनपढ़ है गांव के, एकदम अनपढ़ है, हैं लिखा पढ़ा कुछ है, लेकिन उनको सारी बात एक एक चीज है, मंगल आरती कब होगी, कब हरि कथा होगा, कब सारे बात उनको पता चल जाता था, एक एक बात पता चल जाता था। इसलिए कहते चार दंड रात्रि आज ठाकुर जानिया, जब देखा अभी केवल 4 दंड बाकी है, हैं अभी ठाकुर जान करके उठी लेने चली वारे नासा ग्रांड लिया, उन्होंने नासिका ग्रहण को देख करके उन्होंने उठ करके खड़े हो गए। बोले गदाधर हरिदास, इतने में गदाधर और हरिदास जान करके वो भी उठ गए। इतने में गदाधर पंडित ने बोले प्रभु मेरे को भी साथ ले चल, गदाधर कौन है, राधा रानी, बोले प्रभु मेरे को भी ले चल। लेकिन महाप्रभु क्या है, महाप्रभु एकमेव अद्वितीय है, एकमेव अद्वितीय महाप्रभु, इसलिए महाप्रभु ने है, महाप्रभु ने इतने में माँ को उन्होंने माँ ईश्वर अधीन संसार, हाँ इसलिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने अपना माँ सची माँ के पास में गए और उनको महाप्रभु ने हाथ पकड़ कर बोले माँ है तुमने मेरे को कितने प्यार दिया, कितने तुमने मेरे को प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया है, इसलिए लेकिन मैं तेरे बेटा होकर के मैंने जीवन में तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाया है, कोई सुख नहीं दे पाया मैया, इसलिए तुमने एक दंड जब जितने स्नेह किया है, हैं? इसलिए करोड़ करोड़ कल्प में भी कहते तुम्हारी को जो ऋणी को मैं कभी शोध नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं एक जन्म नहीं, महाप्रभु बताए ना हर अवतार में तुम मेरी आई हो, कभी तुमने कृष्ण बनी, कभी देवती बनी, कभी आदित्य बनी, कभी जसोदा बनी तुमने, कभी कौशल्या बनी, हर जीवन में तुम मेरी माँ बन करके आती हो, और हर जन्म में माँ बच्चे को कितना प्यार देती है, कितना प्रेम देती है, हर जीवन में तुमने मेरे को प्रेम दिया, इसलिए ये प्रेम से कभी माँ कभी मैं ऋणी ऋणी हो ही नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं माँ जन्म जन्म तुम्हारी मैं अधीन हूँ, हाँ इसलिए बुद्ध के हाथ दिया प्रभु बोले बारंबार तुम्हार सकल वार हमारा मार, महाप्रभु मैया के हाथ से छाती के ऊपर हाथ दे करके बोले बोले माँ है क्या, बोले तुम्हारी जितने भार है ना सब सब मेरे ऊपर में हैं, और श्री सची मैया अजोर नयन में क्रंदन कर रहे हैं, और महाप्रभु ने माँ की चरण धुली लिया, माँ को उन्होंने परिक्रमा करके उन्होंने क्या किया, पास महाप्रभु ने संन्यास लेकर के महाप्रभु चल पड़े। अभी उसके बाद में क्या हुआ फिर हम कल सुनेंगे, महाप्रभु कैसे कटुआ में गए और महाप्रभु ने कैसे संन्यास ग्रहण किया, किस रूप में संन्यास ग्रहण किया है पर हम कल सुनेंगे। लेकिन महाप्रभु अपना माँ को क्या बोले, लेकिन महाप्रभु तो सन्यास लेकर जा रहे, लेकिन मैया को क्या बोले, महाप्रभु मैया को क्या बोल करेंगे, बोले तुम्हारा सकल भार हमार आभार, लेकिन तुम्हारे जितने भार है ना मेरे ऊपर, इसलिए मैया को ही चिंता मत करो। तो महाप्रभु तो खुद सन्यास लेकर चले गए, फिर उनको भार कैसे, उनको तो घर में केवल विष्णु प्रिया माँ और कोई है, कोई उनके है ही नहीं केवल विष्णु प्रिया। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जब जैसे माँ है, जैसे माँ बच्चों को कितना प्यार किया, तुमको पता होगा माँ ने बच्चों को कितने प्यार करती है, उनको ऋणी कोई चुका नहीं सकते हैं। लेकिन जब कोई बेटा भगवान की भक्ति करता है सबसे पहले वैकुंठ कौन जाएगा, बेटा जाएगा ना माँ जाएगा, माँ जाएगा, बेटा नहीं जा सकता। अगर हम साधन भजन करेंगे ना सबसे पहले कौन जाएगा, इसलिए ध्रुव महाराज जब जा रहे थे
बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा। बोले कहा क्यों? विष्णु तो कह रहे हैं। बोले मेरे माँ कहाँ है? बोले माँ को क्यों ढूंढ रहे? बोले आज जो मैंने भजन किया माँ के आशीर्वाद से, माँ ने मेरे को बताया बेटा कि जगत का पिता कब तक रहेगा, कि जगत का राज्य कब तक रहेगा है, इसलिए कब तक रहेगा, इसलिए ऐसे एक पिताजी की गोद में बैठ जा जिसके गोद में बैठोगे तो कभी उतरने का जरूरत नहीं, जन्म जन्मांतर पे बैठे बैठ रह जाओ। इसलिए माँ को लिए बगैर नहीं जा सकता, उन्हें दिखा दिया तेरे माँ तेरे से पहले जा रहे थे, वैकुंठ विजय तेरी माँ कर रहे हैं, इसको पीछे पीछे तू जा रहे, आगे नहीं जा रहे। प्रहलाद महाराज क्या बोले? त्रिस सप्तमी पिता पुत्र तुम्हारे तीन है, सात इक्कीस वंश तुम्हारे उद्धार हो गए। इसलिए अगर हम शुद्ध रूप में भजन करेंगे तो पिता माता के उद्धार अपने आप ही ठाकुर कर ले, क्योंकि एक पिता माता बच्चे के लिए जो कष्ट करते हैं तुमको पता होगा, पिता माता एक बच्चे को दिखाना पढ़ाना बड़ा करना कितने किया है, लेकिन कोई जो कहते ना तुम लोगों ने कोई पिता माता की सेवा नहीं किया साधु बन गए, कोई जो बोलते ना तुम पिता माता की सेवा नहीं साधु बन गए, उनका सेवा कौन करेगा? हमने खुद देखा, हमारे पांच भाई थे, हमारे पिता हमारे गाँव में बहुत बड़े लोग थे, लेकिन जब पिताजी का शरीर छुड़ा ना भाई लोग उनको उठाने के लिए, एक भाई शादी होता था घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते थे, महाभारत हो जाता, सब अलग 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 सारे संपत्ति अलग अलग कर लिया, इसलिए जो भाई देखता था पिताजी का जब शरीर छोड़ा उनको उठाने के लिए नहीं आए, वो की बात सुनते हैं पिता माता की सेवा करना नहीं चाहते है पिता माता की सेवा, लेकिन जब कोई बच्चा भगवान की भक्ति करने के लिए आता है ना, अगर सही सही भक्ति करेंगे तो भगवान स्वयं कह रहे बोले माँ तुम्हारी सारी दायित्व मेरे ऊपर, क्योंकि कारण क्या है पिता माता को देखने वाले कौन, हम सोचते हैं शायद थोड़ा खाना पीना देख रहे पिता माता की सेवा, नहीं, अगर उनको कठिन बीमारी हुआ कौन उनको सही करेगा, लेकिन जब एक बच्चा भजन करने जाते हैं भगवान स्वयं माँ को कह करके जा रहे तुम्हारी दायित्व मेरे ऊपर में, इसलिए जब संन्यास ग्रहण करने के लिए गए जो ईशान ठाकुर पूरा के पूरा उनका जीवन को सच्ची माँ और उनको विष्णु प्रिया को ईशान ठाकुर ने पूरा के पूरा उनका जीवन को रखवा लिया उन्होंने है? एकदम अच्छे तरह से उन्होंने देखा उनको, जैसे जब कोई भजन करने के लिए चले जाए कि ठाकुर स्वयं भगवान स्वयं उसका दायित्व ग्रहण करते हैं, और सोचेगा नहीं हम करेंगे शादी हो गया था ना पिता माता की बात नहीं सुनोगे, और हाथ भर जो मंत्र देगी ताने में बहु मंत्र देगी ना, वो बहू का मंत्र काम चलती है, मैया की मंत्र काम नहीं लगती है उस समय, बहू का मंत्र काम चलती है। मैंने स्वयं देखा भाई इतने मेरे भाई इतने विरोध हो गए पिता माता की जो सोच नहीं सकते, इतने विरोध हो गए पत्नी की बात सुन करके, इसलिए क्या करो निष्कपट होकर के भगवान की सेवा करो भक्ति करो, सब दायित्व कौन ग्रहण करेंगे? जगन्नाथ स्वयं, भगवान स्वयं कहते माँ तुम्हारी जितने दायित्व मेरे ऊपर में, ये चीज को हमें विश्वास करनी चाहिए। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल की जय।